मॉर्निंग जस, गुड मॉर्निंग बच्चा। गुड मॉर्निंग बच्चा। चार टाइम टेबल बदलो बदलो इंग्लिश टेक्सटबुक निकाला आप लोगों ने? यस मैम। ओके वेरी गुड। यस मैम। अभी मैं ना पहले सबको म्यूट करूंगी और किसी को भी बोलने का मौका नहीं मिलेगा। ओके कम टू पेज नंबर 20। कम टू पेज नंबर 20। ये करेगा लो देखो। A1 कंप्लीट द सेकेंड सेंटेंस विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। ओके तो द फर्स्ट वन क्या दिया हुआ है हमें? बलून एंड आई आर आउट इन द पार्क। अब देखो दो लोगों की बात की गई यहाँ पे। हम कौन सा वाला कर रहे हैं? प्रोनाउन वाला ही कर रहे हैं हम यहाँ पर भी। तो देखो यहाँ पे दो लोगों की बात की गई, बलून एंड आई। बलून एंड आई मतलब दो लोग हैं तो क्या आएगा? वी। क्या आएगा? वी, WEV। मैंने आप लोगों को यह सिखाया है और पहले भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ये जस्ट हम रिविजन के लिए कर रहे हैं, ठीक है? Sumi is in Nagpur. Sumi is in Nagpur this week. Sumi क्या है? लड़की का नाम है तो क्या आएगा? क्या आएगा? Yes, she. करेक्ट, लिखो। शी सेकेंड वन क्या आएगा? शी। थर्ड वन, लिसन केयरफुली चिल्ड्रेन। लिसन केयरफुली चिल्ड्रेन, डैश मस्ट ऑल कम टू स्कूल ऑन सैटरडे। डैश Must come to school on Saturday. क्या आएगा इसका आंसर? पेज नंबर 20। नहीं दे नहीं आएगा। क्या आएगा? नीचे मैसेज में तो मैं बता रही हूँ, आप लोग टेंशन मत लो। यहाँ से मैसेज है, यस रियांश यू करेक्ट। यू आएगा, कौन सा आएगा? यू, वाई ओ यू। क्या आएगा? यू। नाउ नेक्स्ट फोर्थ वन,
The sun is high in the sky. Dash is shining brightly. क्या आएगा इसमें आंसर? Yes, Vihani, it. क्या आएगा आंसर? It is shining brightly. Yes, Karan, very good, Sanvi. And very good, Sanvi. पहले लिखना अच्छी था. मेरे लिखने का मैं लिख. Fifth one. My parents are in the kitchen. Dash are making biryani. क्या आएगा इसका आंसर? Yes, they. क्या आएगा इसका आंसर? They. T-H-E-Y. They. अभी हमने कौन सा किया? पेज नंबर 20 पे क्वेश्चन नंबर ए वाला. ठीक है. Now come to page number 21. हम उसमें करेंगे बी वन. अब आंसर में जाती हूँ, सबके मैसेज में आया. ऐसे नहीं सब बैठे रहे, जिसको आ रहा है नीचे मैसेज में ऑप्शन आता है, वहां पर मैसेज करो. आई एम हर्ट. Will you take me to the hospital because I have to meet again. हम लोग second one. Meeta and Samira need some help. Please help. क्या है आंसर? Yes, correct हो. आंसर क्या आएगा? Then please help them. Next, Rahul is sleeping. Don't disturb. क्या है आंसर? क्या है आंसर? लड़का है तो क्या आएगा? और हम बता रहे हैं सानवी नवे पटेल. यस, हिम कर्म. और किसने किसने किया? ओके, हिम. एच आई एम ही. वेरी गुड. क्या बात है बच्चे लोग, आप लोग आ गए ग्रामर. अब आवर स्कूल हैज आस्क ऑल ऑफ डैश टू स्टे आफ्टर स्कूल टुडे. वी या अस, कौन सा आएगा? अस. अस, यस. द करेक्ट आंसर इज us. Very good. Next, Alia is a new student. Alia is a new student. We should talk to Dash. She or her? Yes, her. Correct. Very good. जो भी लिखा आंसर राइट लिख लो. आप क्यों ऐसा? Her. H-E-R. Her. लिखा सबने? अब आ जाओ पेज नंबर 27. आप लोगों ने पेज नंबर 20, पेज नंबर 21,
27. Question number A. First one. हमने आर्टिकल किया हुआ है. आर्टिकल बताया ना, A E I O U वोवेल्स कॉन्सोनेंट के आगे ए लगेगा, वोवेल्स के आगे एन लगेगा, याद है सबको. और द कब लिखते हैं हम लोग, जब हम किसी भी चीज को पॉइंट आउट करते हैं या हमें पता है कि वो कंफर्म है तभी हम क्या ऐड करते हैं, द. इतने ये बच्चे एक्टिव, वेरी गुड, लेकिन बाकी सब बच्चे भी एक्टिव रहो. भले ही रॉन्ग लिखो आप लोग आंसर, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप कुछ मेंशन करो, ठीक है. आपके भी मैसेज यहाँ पे आने चाहिए. भले एक बार आंसर रॉन्ग हो तो क्या हुआ, टीचर से रॉन्ग मिस्टेक नहीं होती है, हो जाती है. हम बड़े होते हैं तो मिस्टेक हो जाती है, छोटों से मिस्टेक कर सकते हैं ना फिर तो. तो डरो मत, और सिर्फ जो भी आ रहा है आपको लगा ये आंसर राइट है मेंशन कर दो बस, दूसरे का मत देखो, अपना खुद का देखो आप क्या लिख रहे हो. हो सकता है सामने जो फर्स्ट ने लिखा उसने आंसर रॉन्ग लिखा हो, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैंने मैसेज बॉक्स यहाँ ओपन करके रखा है और सबके मैसेज जाए यहाँ पे, आंसर कौन सा है, ठीक है. ओके चलो नेक्स्ट. लीला हैज अ या फिर एन, ऑरेंज कौन सा आएगा, ए या एन. यस रियांश गुड, एन. और कौन बोलेगा तो बताओ मुझे, आंसर सबके आने चाहिए, ऐसा कोई नहीं कि आंसर नहीं लिख रहा है. मैं राइट और रॉन्ग नहीं बताऊंगी अभी फिलहाल, सिर्फ लिख रहे उनके लिए वेरी गुड बोल रही हूँ, ठीक है. और बहुत सारे लोगों का मैसेज नहीं आ रहे हैं, मैं वेट कर रही हूँ. बेटा रियांश ए और एन दिया हुआ वर्ड, उसके अलावा दूसरा वर्ड नहीं है, ठीक है. हमें ए और एन में से टिक करना है. और बहुत सारे बच्चे बाकी है, मिहान रिशा आंसर बेटा, जेनेस का आपको नहीं आ रहा तो बता दो क्या करना है, कि आपको वहां पे नीचे साइड में सेटिंग का ऑप्शन दिया है और वहां पे दिया हो चैट, तो वहां से आप मैसेज कर सकते हो. नहीं आ रहा है तो पेरेंट्स को बोलो, लेकिन मुझे चाहिए कि सब आंसर दे तो मैं इसका आंसर बताऊंगी. द इम्पोर्टेंट इज पार्टिसिपेशन नॉट द आंसर. ओके द करेक्ट आंसर इज एन ऑरेंज. एन क्यों लगा इसके आगे, Because ये जो फर्स्ट लेटर है हमारा वो वोवेल में आ रहा है. फर्स्ट लेटर किस में आ रहा है, वोवेल्स में आता है ओ, तो हमने क्या डाला यहाँ पे, एंड पे टिक किया. ओके नाउ सेकेंड वन, उसी में यहाँ बेटा सेकेंड मतलब फर्स्ट में ही सेकेंड वाला. शी शेयर्स अ या द ऑरेंज With her brother. बताओ चलो मैसेज वेट कर रही हूं मैं, क्या आएगा. यह बेटा अ द दिया हुआ है, आपके पास ऑप्शन में ये है ए और द, इनमें से किसको टिक करोगे. बाकी सब सो रहे हो क्या, जल्दी जल्दी फटाफट ऐसे मैसेज आने चाहिए, मुझे पता ही नहीं चला रही इतने सारे मैसेज आ गए, ऐसे लगना चाहिए मुझे. जल्दी जल्दी
Right or wrong is not important. वहाँ पे एंड में देखो आपको किसको मैसेज करना नहीं आ रहा है ना, तो उसको नीचे जो लाइन दिया माइक वाला जो ऑप्शन दिया हुआ ना आपको यहाँ पर यहाँ पे क्रॉस करके रखी हो अभी और कैमरा है तो उसी में यहाँ पे लास्ट में 3 डॉट्स रहेंगे वहां क्लिक करोगे तो वो ऑप्शन आएगा सेटिंग और चैट लिखा होगा तो चैट पे क्लिक करना है एंड देन यू कैन मैसेज. The answer is the. क्यों the लिखा हमने यहाँ पे? Because हम बता रहे, confirm बता रहे कि हाँ ये orange ही उसने share की थी अपने भाई के साथ ना. The पे टिक कर लो. Next, second word. I am reading a या an comic book. रहनी कब से कुछ बोलना चाह रही है, हाथ ऊपर तो खड़ी है कब से. हाँ दिख रहा है, दिख रहा है. अब वापस मत स्टार्ट करना. यस, मुझे यही चाहिए बच्चा कि आप लोग सिर्फ ना पार्टिसिपेट करो, भले ही आंसर रॉन्ग निकले क्या फर्क पड़ता है, आंसर रॉन्ग निकल सकता है ना. सो यू शुड पार्टिसिपेट. बोलो फ्रेडी क्या हुआ, अनम्यूट करो. बेटा एक बार अगर म्यूट कर ले फिर से तो अनम्यूट नहीं दब करो. मैम बोलो. मैम हाँ अब क्या करवा रहे हो ना सर्कल दवाला, क्या बोल रहे हो. अब वो नीचे वाला करवा रहे हो ना. हाँ बेटा मैं वो कर रही हूँ. भव्य बोलो. भव्य बोलो. मैम वो गलती से हो गया था. ओके सबको पता है मैं कौन सा क्वेश्चन करवा रही, ये वाला. ठीक है पेज नंबर 27 पहले बता चुकी हूँ मैं आप लोगों को. तो क्या है इसका आंसर, टिक करो ये पे. नेक्स्ट अ या फिर द कॉमिक बुक इज कॉल्ड टैनी सॉरी तेनाली रामा. तेनाली रामा क्या आएगा. व्हेनेवर वी आर कंफर्म, जब भी हम पता अच्छा ये इसका ही चीज है तो हम क्या ऐड करते हैं द. तो क्या आएगा यहां पर, करो टिक करो सब लोग. अभी 2 सेकेंड मैं पहले आप लोगों का अटेंडेंस ले लूं, फिर हम लोग ये जो क्वेश्चन का सेशन है वापस चालू रख लेंगे. क्यों, क्योंकि आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा इससे, है ना. इंग्लिश ग्रामर का जो है वो हमारा रिवीजन हो जाएगा.
और मैं ये वाले जो क्वेश्चन है इनमें से पूछ सकती हूँ एग्जाम में, बंद में बोलना है नहीं कि मिस ये तो था ही नहीं। जब भी करवा रही हूँ इनमें से भी पूछ सकती हूँ मैं एग्जाम में। बिफोर दैट अटेंडेंस क्लास, लेकिन सब साथ में नहीं बोलेंगे, जैसे ही आपका नाम हो गया जस्ट म्यूट योर सेल्फ ओके, और नाम आया तभी अनम्यूट करो, उससे पहले नहीं। आद्या आरव मैं सोनी बेटा अभी बीच में कोई नहीं बोलेगा, आर्य परमार भव्य चंपत कुमार चार्वी एब्सेंट ध्यान ध्यान बेटा कैमरा ऑन रखो अपना, ध्यानी दिया द्वेज ध्यान स्विच ऑन योर कैमरा, प्रेनी प्रेजेंट ईम जेनिस्का जेनिस्का जेस्वी जेस्वी जिसका नाम नहीं आया अभी तक और नाम हो चुका है तो म्यूट कर लेना, जेस्वी कायरा जियान जिया प्रेजेंट मैम पृथ्वी मिहान पर अभी तेरा लास्ट में आया चलो मिहान मीका नव्य सोनी नव्य पटेल ओम प्रद्युमन प्रीशा रुद्र रेयांश रेयांश रुद्र साची प्रेजेंट सानवी प्रेजेंट मैम सुजल मैम प्रेजेंट हो वॉशरूम गया है ना इसलिए ओके ओके तीनों दारू आने के लिए दीदी आना क्वेश्चन आंसर पे स्टैंड मुख लो प्रेजेंट मैम तीर्थ म्यूट योर सेल्फ जस्ट म्यूट योर सेल्फ प्रेजेंट मैम तीर्थ वेदई प्रेजेंट मैम ओके बिहानी प्रेजेंट मैम विशाल प्रेजेंट विवान प्रेजेंट मैम दीक्षित वाले पार्ट है ना उसके क्वेश्चन आंसर भेज देना क्या बोला बेटा पार्थो के क्वेश्चन आंसर है ना हाँ वो तो मैं भेजने वाली हूँ वो बेटा मैं वो तो बेटा मैं भेजने वाली टेंशन मत लो उसका मैम चलो कंटिन्यू करते हैं हमारा नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन आंसर
सेकंड तक किया ना, थर्ड और क्या क्वेश्चन दिया है? मदर बेक्स एन या फिर अ? मदर बेक्स अ केक या फिर एन केक, कौन सा राइट होगा? यहाँ देखो C-A-K-E, तो C है वो वॉवेल्स में आता है या कॉन्सोनेंट में आएगा? कॉन्सोनेंट, तो क्या आएगा उसके आगे? A, ओके, K फॉर माय बर्थडे, द या फिर एन, केक हैज माय नेम ऑन इट, तो क्या आएगा? द आएगा या फिर ए आएगा, कौन सा वर्ड आएगा? नहीं आ रहे मुझे मैसेजेस, क्या हो गया? हाँ यस, द पे टिक करो, नेक्स्ट फोर्थ वन, करण राजा आर इन एंड जू या फिर द जू, इन तो बेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है, एन नहीं है ऑप्शन में, हाँ एन है, एन और द, ओके लिसन टू मी। अब इसका आंसर कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, यहां देखो राजा सॉरी करण एंड राजा आर इन जू, हमें पता है कहां पर है जू में, कंफर्म पता है, तो हम कौन सा लेंगे? द, इन द जू, टिक करो द को। द को टिक कर लो, नेक्स्ट दे सी एन या फिर अ ऑस्ट्रिच देयर, एन ऑस्ट्रिच या फिर अ ऑस्ट्रिच, क्या आएगा? अगेन ऑस्ट्रिच ऑस्ट्रिच में फर्स्ट लेटर कौन सा दिया हुआ है? ओ, तो आंसर कौन सा आएगा हमारा? एन। नाउ फिफ्थ वन, क्या दिया हुआ क्वेश्चन? माय फ्रेंड हैज अ पेट कैट या फिर द पेट कैट, अ पेट कैट, अ या फिर द कैट लव्स प्लेइंग विद या, कौन सा आंसर आएगा तीनों में से? अ या फिर द?
Yes. So the answer is the pet cat. Okay. अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम ये करेंगे ग्रामर का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी करेंगे हम लोग, और अभी आप लोग इसके लिए पहले से ही प्रिपेयर रहना, ओके, और मैं आप लोगों को वर्कशीट भेजती हूँ, ठीक है, ओके, मैं आप लोगों को वर्कशीट भेजूंगी और आप लोग उसी से, मैं आपको वर्कशीट भेजूंगी और फिर मैं एक्सप्लेन भी करूंगी, टेंशन मत लेना, मैं वर्कशीट भेजने के साथ साथ आपको एक्सप्लेन भी करूंगी और हम लोग पहले क्वेश्चन आंसर देख लेंगे क्या क्वेश्चन है, आप लोग मुझे आंसर बताओगे, सो इसलिए आप लोग चैप्टर्स रीड करना, इंग्लिश के चैप्टर्स रीड करना, आई विल गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चन एंड यू विल गोइंग टू आंसर मी, ओके, क्लियर, जैसे मैं अभी पूछ रही हूँ क्वेश्चन वैसे ही क्वेश्चन करूंगी उस टाइम पर भी, एंड आप लोग मुझे आंसर्स बताओगे जैसे आज बता रहे थे वैसे, एंड नेक्स्ट टाइम आई वांट कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट प्रेजेंट हो वो सब के सब मुझे इसी तरह से आंसर्स दे, ओके, ऐसे नहीं कि मैं बोलू फोर्स करूं तभी आप लोग मुझे दो, उससे पहले ही आप मुझे अपने आप से आंसर दो, मुझे ये बोलने का चांस नहीं मिलना चाहिए नेक्स्ट टाइम की सब लोग आंसर्स दो, सब लोग पार्टिसिपेट करो, ये मुझे नेक्स्ट टाइम नहीं बोलना है, ओके, एंड अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैसेज कैसे करते हैं तो वो प्लीज मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी कैसे कर सकते हो, मैंने अभी 2 मिनट पहले बोर्ड पे बताया था, और अगर वैसा नहीं हो रहा है तो मैं नेक्स्ट टाइम मेरे फोन का यूज करके भी आपको बताऊंगी, लेकिन बताऊंगी जरूर, सो दैट कि आपका जो पार्टिसिपेशन हो इसमें वो सबका दिखे मुझे 100%, ओके, ओके देन, बाय। बाय क्लास, बाय बाय बाय।